कोविड नियमों का पालन करते हुए 14 और 15 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में धम्म चक्र संवर्धन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संबंध में दीक्षा स्थल पर आने वाले बौद्ध अनुयायियों की सुविधा के लिए नागपुर नगर निगम द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अनुयायियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए नागपुर नगर निगम तैयार है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने दीक्षा स्थल पर आने वाले अनुयायियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन ना करें। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर दीक्षा स्थल पर आने वाले बौद्ध अनुयायियों की सुविधा के लिए साहित्य भूषण अन्ना भाऊ साठे स्मारक के पास एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके अलावा दीक्षा भूमि की ओर जाने वाली सड़कों पर 6 टीकाकरण केंद्र भी शुरू किए गए हैं। बुधवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने कंट्रोल रूम सहित 6 टीकाकरण केंद्रों का उद्घाटन किया। उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, लक्ष्मीनगर अंचल सहायक आयुक्त गणेश राठौर, कार्यपालक अभियंता विजय गुरुवक्षानी, जोनल चिकित्सा अधिकारी और दीक्षा भूमि में स्वास्थ्य प्रणाली के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील कांबले, उप अभियंता अनिल गेदाम, स्वच्छता अधिकारी राम भाऊ तिड़के, स्वास्थ्य समन्वयक डॉक्टर सरोज कूठे पाटिल, सहायक अधीक्षक धनंजय जाधव भी उपस्थित थे। इस मौके पर मेयर दयाशंकर तिवारी ने निगम की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण केंद्रों पर किए गए टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की भी समीक्षा की। दीक्षा मैदान में आने वाले बौद्ध भाइयों की सुविधा के लिए नागपुर नगर निगम के 200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। नागपुर नगर निगम और पुलिस प्रशासन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर दीक्षा स्थल पर आने वाले बौद्ध अनुयायियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को कोई असुविधा ना हो, क्षेत्र में साफ सफाई हो, किसी को मदद की जरूरत हो तो वह समय पर पहुंचे, स्वास्थ्य जांच कराएं और शीघ्र प्राथमिक उपचार कराएं। मेयर ने लोगों से अपने शहर के नागरिकों की सेवा के लिए काम करने की भी अपील की। विभिन्न प्रवेश द्वारों पर 6 टीकाकरण केंद्र, दीक्षा स्थल पर आने वाले बौद्ध अनुयायियों के लिए कोविड टीकाकरण की 2 खुराक लेना अनिवार्य है। जिन्होंने टीकाकरण की 1 खुराक ली है और दूसरी खुराक पूरी कर ली है, उनके लिए दीक्षा भूमि के आसपास टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। साहित्य भूषण अन्ना भाऊ साठे चौक का निगम के नियंत्रण कक्ष में 1 टीकाकरण केंद्र है और 6 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें राहत कॉलोनी चौक, काचीपुरा चौक, बजाज नगर चौक, लक्ष्मीनगर चौक और नीरी मार्ग शामिल है। ये सभी टीकाकरण केंद्र दीक्षा भूमि के रास्ते में हैं, जहां सबसे पहले अनुयायियों को रोका जाएगा और उनके टीकाकरण प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जो दूसरी खुराक लेने के योग्य होंगे उन्हें दूसरी खुराक के साथ तुरंत भर्ती किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिकेच्या माध्यमातून या दीक्षा भूमि परिसरात संपूर्ण देशभरातून जे बौद्ध धर्मावलंबी इथे दर्शन घ्यायला येतात त्या सगळ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने महानगरपालिकेच्या माध्यमातून संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे। या परिसरात प्रसाधन ग्रहासाठी 500 शौचालयाचं बांधकाम महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।